इनकी कंप्लेंट है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये लाइव है फोटोग्राफ? नहीं सर, लाइव नहीं है। तो बिना लाइव के ले ली सर? किस समय की देखना पड़ेगा? नहीं किस समय की, क्या ये बताओ ना, कैम किस समय? एक मिनट, यही तो देखते हैं ना, ये कायदे में लाइव होनी चाहिए। जी सर। है ना, गड़बड़ तो है? नहीं सर, सर समय का है सर, मैं बताता हूँ। क्या ऐसा अलाउड है कि आप लाइव फोटोग्राफ जो है गलत है कि नहीं है? सर है, पर उस समय हमारे पास लाइव चारा नहीं था सर। फिर लाइव फोटोग्राफ लेने का मतलब क्या हुआ? जब आप सीधे सीधे अगर फॉर्म पे भरा हुआ फोटोग्राफ उठा के ही आप लाइव फोटोग्राफ में लगा रहे हो, क्योंकि उस समय सर कैमरा, तो इसका मतलब आदमी आपके ऑफिस में नहीं आया है। ये देखिए बैजू शाह का फॉर्म है और नीचे फीमेल की फोटो लगी हुई है, लाइव सिटीजन फोटोग्राफ में फीमेल की फोटो खींच कर लगाई है। सर वो विंडो पे होता है सर ये काम? सर मैनेजर आप है कि मैं हूँ? सर जी सर। अब आप ऐसा करिए, अपना बैग पैक करिए और घर जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है सरकार में। ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं जिनको इतना समझ में नहीं आता हुआ। पैक योर बैग एंड गो होम, इनका टर्मिनेट कर दीजिए। कहाँ है भाई आपके डीएस? बुलाओ। ये कौन सा है? कौन सा नॉर्थ वेस्ट? ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये बाहर तीन विंडो। बैठिए आप, काम करिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, काम करिए आप। आपस में दूरी बना के रखिए सब लोग, पीछे ऐसे घर जाओ, मास्क हटा दो। क्या है ये, क्या कर रहे हो सर? वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर व्हाट सर? ये रजिस्ट्रेशन। तो ये नया रजिस्ट्रेशन है या पुराना है? नया है। मैनेजर कौन है आपकी? मिस्टर मनोज कुमार। कहाँ है? 108 नंबर ऊपर बैठे। बुलाओ जरा मनोज कुमार। ये सब लेबर का ही है? बताइए नंबर क्या? हाँ सर नंबर बता दीजिए। I1। अभी हम बैठते हैं। यादव जी आइए, बैठिए, बैठ के करिए। मनोज बैठिए, बैठ के करिए। 5138। अच्छा जी सर, नंबर 5138। इनकी कंप्लेंट है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी सर। क्या नाम है? इस जसबीर कपिल नहीं सर, एक मिनट नाम बताओ। कपिल, कपिल देव। इनकी लाइव फोटोग्राफ दिखा दीजिए सर, जो पासपोर्ट साइज है वही लाइव फोटोग्राफ है। जी ये लाइव है फोटोग्राफ? नहीं सर, लाइव नहीं है सर ये। तो बिना लाइव के ले ली सर? किस समय की देखना पड़ेगा? क्योंकि नहीं किस समय की, क्या ये बताओ ना, कैम के समय? एक मिनट, यही तो देखना है ना, मतलब पहले तो ये मान रहे हो ना कि ये फोटोग्राफ? जी सर, फोटो वाली है सर ये। ये जो ऊपर फोटोग्राफ लगी है? जी सर। ये और नीचे वाली एक ही हैं? जी सर। है ना? जी। ये कायदे में लाइव होनी चाहिए? जी सर। है ना? जी। तो गड़बड़ तो है? नहीं सर, सर समय का है सर, मैं बताता हूँ। क्या ऐसा अलाउड है कि आप लाइव फोटोग्राफ जो है, क्योंकि लाइव फोटोग्राफ का मतलब है आदमी यहाँ आएगा कैमरे के सामने, आप उसका फोटो खींचोगे? जी सर। और उसके बाद ये माना जाएगा कि वो जो फॉर्म पे फोटो लगी है और ये मैच कर रही है? जी सर। तो आपने फॉर्म वाली फोटो जी की ही फोटो खींच के यहाँ लगा रखी है, ये तो गलत है जी। अब आप बताओ कि ये कब का है? सर ये है 15 सितंबर का सर। सितंबर में सर कैंप लगे थे सर, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में दो कैमरे इश्यू हुए हैं सर। हाँ। दो कैमरे इश्यू हुए थे सर बोर्ड की तरफ से, और वो कैमरे सर उस समय कैंप में थे, तो और यहाँ पर सर भीड़ गेट के बाहर काफी हो रही थी, और उस समय सर ने भी आईडी चलवाई थी, हम केवल दो बंदे थे सर करने वाले। तो ये गलत है कि नहीं है? सर है, पर उस समय हमारे पास लाइव चारा नहीं था सर। फिर लाइव फोटोग्राफ लेने का मतलब क्या हुआ? जब आप सीधे सीधे अगर फॉर्म पे भरा हुआ फोटोग्राफ उठा के ही आप लाइव फोटोग्राफ में लगा रहे हो, क्योंकि उस समय सर कैमरा, इसका मतलब आदमी आपके ऑफिस में नहीं आया है
सर आए हैं सर लाइन पे सर डील किए और सर उस समय की बात है जब कैंप लगे हुए थे और बता दो और कैंप के सामने जी सर ठीक है कैमरे अवेलेबल नहीं थे ठीक है और देख लेते हैं जी सर 5138 नीचे फीमेल की फोटो अपलोड कर रखी है बताओ ये देखिए वैजू शाह का फॉर्म है और नीचे फीमेल की फोटो लगी हुई है लाइव सिटीजन फोटोग्राफ में फीमेल की फोटो इन्होंने खींच के लगाई हुई है सर वो विंडो पे होता है सर ये काम सारा मैनेजर आप है कि मैं हूँ सर जी सर ये कैसे सर ये किसी को लगा कैसे ये लाइव में कैसे आ गया ये सर रोजान लाइव में सर इसका यही होता है कि सर इसको हम क्लरिकल मिस्टेक जरूर बोल सकते हैं क्योंकि 400 से 500 की भीड़ आ रही है दिखाई पड़ रहा है जेंट्स का है यहां आप फीमेल का फोटो ले रहे हैं इतना नजर नहीं आ रहा है क्या क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है इसमें इसमें क्या क्लरिकल मिस्टेक नाम क्लरिकल मिस्टेक है आपको दिख नहीं रहा है महिला का फोटो है सर नंबर से सेव करते हैं ना सर नंबर बट यू आर टेकिंग फोटोग्राफ तो आपको नजर नहीं आ रहा कि फीमेल है या मेल है सर फोटो तो सर डीलिंग है सर विंडो पे ले रहे हैं सर मेरे को पता इसके बाद आपके पास आती है नहीं सर वो डायरेक्ट आईडी पर जाती है सर फिर डायरेक्ट डीएसआर अप्रूव कौन करता है डीएसआर की आईडी पर जाते हैं सर जो प्रोसीजर है वो ये है कि डीलिंग असिस्टेंट के बाद मैनेजर मैनेजर के बाद सेक्शन ऑफिसर या डीएस डीएसआर करता है सर नहीं सर वो अब नहीं आती सर वो पहले स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन हुआ ना सर तब मेरी आईडी पर आती थी सर ये कब का है ये 18 दिसंबर है सर ये तो तब का नहीं है कैंप के दौरान का नहीं ये नहीं है इसकी फाइल निकालो सर ये इससे पता क्या नंबर है इसका नंबर बताओ एप्लीकेशन नंबर 5048 पहले ये प्रोसीजर था कि सर कि डीएसए मेरी आईडी पर आती है ये किसने किया ये देख हां सर इसकी आईडी की आईडी किसकी 5048 सर 5 times 0 सर 50 1 2 3 4 5 30 3 0 4 7 बैजू सर क्या नाम है जय किशन बैजू 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 साहब बैजू साहब इसमें आपके जिस डीलिंग असिस्टेंट ने अप्रूव किया है वो भी उनका भी तो आएगा ना नाम हाँ सर अप्रूव किया है आइए आपको दिखाते हैं इनका करिश्मा क्या कर रहे हैं लोग दिखाओ जरा एक बार मैडम को कमिश्नर मैडम है ये देखिए इनको सिस्टम ये कहता है कि ये आदमी होगा ये अप्लाई करेगा इसका एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा फिर ये वेरीफाई करेंगे बंदे को यहाँ बुलाएंगे बंदे को बुला के यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे ठीक है बैजूशा नाम का आदमी है फॉर्म पे फ़ोटो ये लगा हुआ है यहाँ लाइव फ़ोटो ये लगा हुआ है इसका ये रजिस्ट्रेशन चला रखा है इन लोगों ने यहाँ इसको मैडम कह रहे हैं कि क्लरिकल मिस्टेक है ये क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक वो डायरेक्ट डीए की आईडी से सर डीएस डायरेक्ट डायरेक्ट मैं नहीं जानता हूँ मैनेजर आप हो कि मैं हूँ पहले मेरी आईडी पर आते सर तब चेक होते थे अब मेरी आईडी पे आते नहीं सर जो डीलिंग असिस्टेंट से मतलब सीधा फिर डीएस सर की आईडी पर चला मैनेजर की जिम्मेदारी है कि नहीं है जी सर क्या नाम है आपका मनोज कुमार सर और भी हां सर काफी है निकालो और जी सर और बताइए आप मैनेजर जी सर हां जी मैम और खोलिए दिसंबर का आप तो दिसंबर में मैनेजर था ना यहाँ आप यहाँ था इसमें सर अभी आपके जितनी ये सारी बोगस रजिस्ट्रेशन आई है उनमें जो डीलिंग असिस्टेंट है उसका भी नाम होएगा हाँ होएगा निकालो जरा अभी जो बोगस निकल रहा था जिसपे वो महिला वाला ही निकालो जिसमें महिला का फोटो है लेकिन अप्रूवल आप डिप्टी सेक्रेटरी करेगा आपका फोटो सब देके आपके पास पास करके तो डिप्टी सेक्रेटरी नहीं मैडम डायरेक्ट जाते हैं पहले था ये चेन थी सर कि डीएसए पहले मैनेजर के पास फिर आगे अब नहीं है सर मैडम 5048 0000 3 0 4 7 ये था इसमें डीलिंग असिस्टेंट कौन है इसमें तो मेरी आईडी चली हुई है आपकी आईडी चली हुई है ना हाँ क्योंकि सर अभी मैं बता देता हूँ वो रीजन भी आपको एक सेकंड दिखा रीजन नहीं समझना है केवल दो की आईडी चल रही है सर ठीक है ये यहाँ पे और आगे आओ नीचे वो महिला का फोटो लगा हुआ है ये कैसे ये सर रजिस्ट्रेशन नंबर से फीड करते हैं फोटो को फोटो खींच आईडी भी इनकी है आईडी दिखाओ खोल के जरा आपको डिस्ट्रिब्यूशन नहीं कर पाते फीमेल ये देखिए दो बार आपके पास आई है क्या करोगे आप
नहीं सर, ये डायरेक्ट इस आईडी से सर के पास। हाँ तो आपकी आईडी से गई है ना जी लिस्टिंग में सर, एक तारीख से दो या और तीन आईडी चल रही है सर। इनके निवास में ओके किया गया है, ये सब किया इनके निवास में, ओके लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ। तो इस ये तो सर, हाउ कैन ही। अब आप ऐसे करिए, अपना बैग पैक करिए और घर जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है सरकार में। ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं जिनको okay. इतना समझ में नहीं आता हुआ। पैक योर बैग एंड गो होम, इनका टर्मिनेट कर दीजिए तुरंत। और डीलिंग असिस्टेंट कौन है इसमें? डीलिंग नहीं है सर, मेरी ही आईडी यूज हुई है सर। आपकी आईडी यूज हुई है ना, बस ठीक है, आप घर बैठिए। अब गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे और तुम लोग यहाँ पैसा खा खा के उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हो। गो होम, टर्मिनेट कर दीजिए इनको अभी यहाँ से, हटाइए इनकी आईडी वगैरह ले लीजिए सर और इनको हटाइए यहाँ से। जाइए बस, आप आ जाइए, ये हैंड ओवर वगैरह करिए अपना पूरा। ये आप इनको चार्ज दे दीजिए फिलहाल के लिए, आज के लिए है ना, नॉर्थ के इनको चार्ज दे दीजिए। और जो भी इनका प्रोसीजर है इनको रिलीफ, सुनिए इनके सारे आपके पास चार्ज है अभी नॉर्थ वेस्ट का, मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल लिंक ऑफिसर आप ही हो ना, तो आप चार्ज लेके इनको फ्री करिए यहाँ से, और इनका ऑर्डर कर दीजिए टर्मिनेट करने के, बाय ऑर्डर टर्मिनेट कर दीजिए इनको। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 बार आ चुके हैं। किस लिए? तो जो लॉकडाउन के वक्त 1000 रुपये आ रहे थे फादर वगैरह के, तो उस टाइम भी हम मतलब मैं छुट्टियाँ चले थे कॉलेज वगैरह, तो रिन्यू करना है या क्या? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो 5000 आने थे उनके बेस पे मेरे को कॉल आया कल शाम को कि आपके पापा के पैसे आ गए। मैंने कहा नहीं सर, मैं 3-4 बार हो चुका, मैं विकास भवन जो इनका सेंटर है वहाँ पर भी होके गया हूँ, तो उन्होंने कहा आप दोबारा आ जाओ और पेमेंट लेके आ जाओ। तो मैंने अपने आई टी की दो मतलब छुट्टी भी करके आया हूँ, यहाँ पर मतलब दोबारा वो हुआ नहीं था। क्लेम लेना है सर, रिन्यूअल करवाने के लिए बार बार बुलाया जाता है, जो 10,000 रुपीज़ कोविड फंड आना था उसके लिए जानबूझ के हरास करते हैं कि हमारे पर रिकॉर्डिंग होते हैं कि 2,000-4,000 रुपये मांगते हैं, जो 10,000 इनके अकाउंट में है। अब मेरा भैया अकाउंट में हमारे फादर को कुछ भी नहीं है, मेरे पापा खुद कहते हैं कि मतलब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो पापा मैं जा रहा हूँ आपके। किस नंबर से फ़ोन आया था आपके पास? किसका नंबर है सर? ये लैंडलाइन का नंबर है। मुझे कॉल करके बोला गया तो मैंने रात को दोबारा इनको कॉल करी। ये कहाँ बैठे जी? फोन आप सुनिए ना, फ़ोन करो ज़रा इस नंबर पे, कहाँ का नंबर है आप, आपके पास तो होगा ये नंबर। 4:30 बजे गया था सेम नंबर, सेम नंबर। ये नंबर देखो ज़रा कहाँ का है, मुझे नंबर दे। नंबर बोल रहे 1127-3090-3090-88। ठीक है, अभी पता करते हैं कहाँ का नंबर है, हमारे यहाँ का होगा कहीं का। स्पीकर पे ले लो जरा, अंदर बज रहा है, देखो जरा अंदर बजे। हाँ देखो, हेलो कौन? मनोज। हाँ इन्हीं के यहाँ से नंबर आपका है? ओके, ये कन्फर्म करना था। ठीक, तो यही फ़ोन कर रहे थे ना अभी, यहाँ से यही यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं लोगों को और फिर हैरेस करते हैं, पैसा मांगते हैं लोगों से। मैं एक्चुअली सर 3 बार आ चुका हूँ, एक बार यहाँ आया था तो मैं जमा करा के गया डॉक्यूमेंट्स, फिर दोबारा आया था, फिर इन्होंने कहा आप जाके विकास भवन जो है इसका जो सेंटर है आप वहाँ जाके बात करो। मैं यहाँ से विकास भवन खुद गया हूँ, जबकि लॉकडाउन के वक्त कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। क्लेम कहाँ देखे जा रहे हैं? क्लेम यहीं देखे जा रहे हैं सर, इनके क्लेम भी इन्हीं के पास देखे जा रहे हैं। हाँ जी, क्लेम के लिए क्लेम दो स्टाफ यहाँ बैठा रहा था। और कौन है स्टाफ? इनको तो हटाओ यहाँ से, दूसरे स्टाफ को बुलाओ। अच्छा सर, अभी जो 7 लोग थे ना इनके, अभी जो एक एजेंसी हमारी हटी है उसमें 8 लोग नॉर्थ वेस्ट के चले गए ना सर। ठीक है सर, अभी इनके तो स्टाफ जो 50% कम हो गया, तो 7 या 8 लोग। अरे टोटल स्टाफ कितने रिश्ते दिखाए पर? 9 लोग हैं जिसमें एक। आपने इनको फ़ोन करके बुलाया कि आप क्लेम के लिए आ जाइए?
सर जिनके पैसे नहीं गए ना सर वो लिस्ट आई है बोर्ड से हटवा कर। और उसके बाद में आप कहाँ गए थे? सर मैं विकास भवन में गया था, मेरे को नहीं यहाँ क्यों फिर यहाँ किसी से मिले? सर मैं अभी अभी आया हूँ जस्ट, इन्होंने कहा 10 बजे के बाद आना, तो मैं 10 बजे दोबारा आया हूँ, इन्होंने कहा कि 108 नंबर में, तो फिर मैंने पूछा यहाँ पे जो ऑफिसर खड़े थे, मैंने कहा सर रूम नंबर 108 कौन सा है? उन्होंने कहा ये है, मैंने कहा सर ये डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, कह रहे हैं ये लाइन लगी हुई है आप लाइन में लगे, तो मैं यहाँ लाइन में लग गया जैसे क्लोज होता है। और यहाँ पे तो यहाँ किसी और आदमी को बिठाओ इनकी जगह क्लेम के पेपर्स के। मेरा कमीशन था अभी जो एक लिस्ट दी थी हमें कि कुछ लोगों के क्लेम देने हैं, तो हम 100-150 लोगों को कॉलिंग हर डिस्ट्रिक्ट में। नहीं वो बात ठीक है आपकी, पर इनको आज बुलाया हुआ है तो करवाई है कि आओ अपने पेपर सबमिट करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, क्लेम मिल रहा है। वो ठीक है सर, मैं कई बार करा चुका हूं। डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका हूँ पहले? यस सर मैं 4 बार कर चुका हूँ और एक बार यहाँ पे यहीं पे आके। हाँ जी यहाँ पे आके और विकास भवन जो एप्लीकेशन के लिए बुलाया जाता है, बार बार बुलाने का कोई लॉजिक नहीं है। एक बार जब वो कर चुके सबमिट छोड़ दीजिए उनको, तो हिज सर्विसेज आर ओवर, इनको छोड़ दीजिए। हमारे फादर तो कुछ कहते हैं आप कैश ले लो इनसे, इनसे इनको रिलीव करके आओ चलो। हमारे फादर जो है सर वो कहते हैं इसका बेटा कोई फायदा नहीं आप लोगों को, करवाते हैं भाई लेकिन थोड़ा सा अभी हाउस को ऑर्डर में लाने की जरूरत है। सर यहाँ पे भी फार्म भरा जा रहा था कि जब वहाँ से विकास भवन से हम आए थे, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आप जाके यहाँ से फार्म भरो, तो ये जो DLI से लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने फार्म भी आके भरा, तो भी मतलब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है करवाते हैं इसको, आप जाके रिलीव करिए ना उनको डे सब, आप इनको रिलीव करिए, खत्म करिए इनकी नौकरियां से, उनको हमने सस्पेंड कर दिया, बेईमानी कर रहे थे, लड़ा दिया टर्मिनेट कर दिया इनको। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।